गाइस शाओमी ने MI 9 एक्सप्लोरर स्मार्टफोन को चाइना में लॉन्च कर दिया है। एक परफेक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है मात्र 41,000 रुपीस में। इसकी चाइना में कीमत है 3,999 यूरान, इंडिया में कन्वर्ट करेंगे रुपीस में तो आपको 41,000 रुपीस के आसपास इसकी कीमत रहने वाली है, जो कि एक परफेक्ट प्राइस पे आपको बहुत कमाल की स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा शाओमी MI 9 एक्सप्लोरर स्मार्टफोन की पूरी रिव्यूज डिटेल्स। सो वीडियो पे बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को इनेबल कर दीजिए। मेरा नाम है मानव, आप लोग देख रहे हैं बालाजी मोबाइल रिव्यूज पे। मेरा पूरा रिव्यू है शाओमी MI 9 एक्सप्लोरर स्मार्टफोन की पूरी रिव्यूज। लेट गेट स्टार्टेड गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिजाइन की बात करते हैं तो आपका बैक में ट्रांसपेरेंट करंट ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है और फ्रंट में आपको है स्क्रीन साइज 6.39 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 403 PPI की। और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और बैक में आपको ट्रांसपेरेंट कलर जो दिख रहा है वो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। बहुत कमाल की बात है और नॉच के साथ में आपको देखने को मिलता है स्मार्टफोन। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, एंड्रॉइड 9.0 पाई में रन कर रहा है MIUI 10। इसका जो Xiaomi का होता है वो भी चल है बेस्ट। इसमें प्रोसेसर की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन का 855 है जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ट प्रोसेसर है। गाइस ये फ्लेक्सी स्मार्टफोन है, फ्लेक्सी प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। एनीवे GPU की बात करते हैं तो एड्रिनो का 640 देखने को मिलता है। GPU आपको बहुत अच्छा है, पबजी गेम्स जितने भी बड़े बड़े हाई GB के गेम होते हैं सब सपोर्ट होंगे बिना अटके बिना किसी रुकावट के हाई ग्राफिक्स पे, तो बहुत कमाल की एक पॉजिटिव बात आपको देखने को मिलती है। रैम की बात करते हैं तो 8 GB का रैम और 12 GB का रैम आएगा और कोई से वेरिएंट का रैम लीजिए 256 GB तक आप इसे कर सकते हैं। रोम आपको मिलेगा लेकिन एक्सपांडेबल नहीं है गाइस, क्लास शॉट नहीं लगाया गया है, पता नहीं क्यों, एक नेगेटिव बात है। रैम अच्छी है, रोम आपको कम देखने को मिलती है लेकिन अगर एक्सपांडेबल भी देना था लेकिन नहीं दिया, यह इसका एक नेगेटिव बात है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, एक में 48 MP का जिसका फिजिकल एपर्चर f1.5, सेकेंडरी कैमरा है 16 MP का जिसका फिजिकल एपर्चर f2.2, अल्ट्रा वाइड कैमरा है गाइस वो, और थर्ड कैमरा है 12 MP का उसका फिजिकल एपर्चर f2.2, ये टेलीफोटोज के लिए आपको देखने को मिलता है। डुअल कैमरा डुअल LED फ्लैश आपको बैक में देखने को मिल जाएगी, 4K रिकॉर्डिंग, फुल HD प्लस, HD प्लस और HD रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरे से कर सकते हैं। सेल्फी के दीवानों के लिए 20 MP का आपको सेल्फी कैमरा है जिसका फिजिकल एपर्चर f2.0, सेल्फी कैमरे से आप HD प्लस फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग आप सपोर्ट कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है गाइस। लाउड स्पीकर मिल जाएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS मिल जाएगा, रेडियो सपोर्ट नहीं होगा इंडिया में और चाइना के स्मार्टफोन में। गाइस सबसे बड़ी नेगेटिव बात है फ्लेक्सिक स्मार्टफोन है बट 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, यह इसकी एक नेगेटिव बात लगी है। बैटरी भी आपको ज़्यादा अच्छी नहीं है, 3300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है जो कि एक नेगेटिव बात है। क्विक चार्जिंग सपोर्ट होता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होता है, ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर में आपका बैक में देखने को मिलता है और आपको जो बैक है वो पूरा आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और फ्रंट में और आसपास की जो बॉर्डर है वो आपको एल्यूमिनियम बॉर्डर आपको देखने को मिलती है जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि एल्यूमिनियम से बना हुआ स्मार्टफोन है। गाइज इंडिया में इसकी कीमत है 41,000 रुपीज़ क्योंकि चाइना में 3,999 यूआन है, अगर उसे इंडिया में कन्वर्ट करते तो 41,000 रुपीज़ इसकी इंडिया में कीमत आती है। तो 41,000 रुपीज़ में आपको तो फ्लेक्सिक स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है जो कि एक बहुत अच्छा कमाल का प्राइस है। यह एक कॉम्पिटिटर रेडी हो चुका है 1+60 के लिए और जो 1+7 के रूमर्स आ रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। अगर Xiaomi 41,000 रुपीज़ में इंडिया में अगर इस फोन को लॉन्च कर देती है बहुत जल्दी तो ये बहुत अच्छी बात रहने वाली है। सो गाइस इसके अंदर स्क्रीन साइज आपको बेस्ट है, आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, बैटरी थोड़ी कमजोर आपको देखने को मिलती है, प्रोसेसर कमाल का है, तो क्या ये स्मार्टफोन आप लेना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन जो इसकी नेगेटिव बात जो मुझे लगी सबसे पहली है कि आपको ऑडियो जैक हटा दिया 3.5 mm का, आपको बैटरी 3300 mAh की कम से कम 4000 mAh की तक देता तो अच्छा रहता, या दो इसकी एक नेगेटिव बात आप मेरे को लगी है जो है स्मार्टफोन में, बाकी फोन पूरा आपको कमाल का देखने को मिलता है। सो स्क्रीन साइज अच्छी, आपको प्रोसेसर अच्छा है, ग्राफिक कार्ड अच्छा देखने को मिलता है और रैम भी अच्छा आपको देखने को मिलता है। कहनी वह जब भी इंडिया में लॉन्च होगा बहुत अच्छा स्मार्टफोन रहेगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं गाइस, फ्यूचर में इसे बहुत सारी वीडियो
मोबाइल से कंपैरिजन करेंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन से। सो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं और इसे मोबाइल के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन ऑल्सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले। अगर गाइज इंस्टाग्राम यूजर है तो _ मानव शर्मा डाल के मुझे मैं फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब रिलेटेड कोई पर्सनल फोटो शेयर करता हूँ। पॉजिटिवली 1000 फॉलोअर मेरे अगर होते हैं तो छोटा सा गिव अवे करने वाला हूँ। अपने इस स्टूडियो पे बुलाऊंगा जो भी विनर होगा और उसको आप सबके सामने गिफ्ट दूंगा। एनीवे लेकिन आपको पहले 1000 फॉलोअर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, या इंस्टाग्राम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं गाइज। सो इस वीडियो को ये एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस मानव फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।